गाइज मैं आपको न्यू बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, S1000 RR के बारे में, कि उसकी डिलीवरी मुझे कब मिलने वाली है। तो गाइज ये कुछ शॉपिंग की हमने कैसे लोग सब बढ़िया ना। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने। तो गाइज जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ना, तो गाइज उस पे आपने बहुत सारे कमेंट किए। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने ज्यादा कमेंट करोगे, और बहुत से कमेंट अभी तक मैंने तो पढ़े नहीं है, कमेंट तो मैंने देखे नहीं है, पर घर वाले बोल रहे थे कि कमेंट बहुत ज्यादा आए हैं। आपको न्यू बाइक के बारे में जो न्यू बाइक मैंने वीडियो डाली है उसके बारे में आपको बताना है। तो गाइज उस बाइक के बारे में आपको बताता हूँ कि उसकी डिलीवरी कब मिलने वाली है, ठीक है। आपको न्यू बाइक के बारे में बताने वाला हूँ S1000 RR के बारे में, कि उसकी डिलीवरी मुझे कब मिलने वाली है। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली है ना उसको आप समझे नहीं हो ठीक से कि उसमें मैंने क्या बोला था। तो एक काम करना ना, आप ना वीडियो की जो एंड वाला पार्ट है ना बिल्कुल एंड में, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट देख लेना, मैंने उसमें कुछ लिखा था। तो अगर उसको देख के आप समझ गए ना तो आप समझदार हो, ठीक है। इस वीडियो में कमेंट करना कि आप उस वीडियो को देख के समझ गए या नहीं, मैंने वीडियो क्यों डाली है, ठीक है। तो जरूर कमेंट करना, पहले लास्ट वीडियो देख लेना एंड की, एंड में पार्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे मैंने वो वीडियो क्यों डाली थी। तो भाई नीचे कहाँ आ रहा है, तो गाइज अभी आपको प्लान बता देता हूँ अभी का क्या प्लान है। अभी हम जा रहे हैं कांगड़ा, और कांगड़ा में जाके शॉपिंग करनी है। आपको पता ही है मैंने बहुत पहले मैंने वीडियो में बोला था कि यार शॉपिंग करनी, मेरे पास कपड़े नहीं है, ठीक है। तो ये देखो कपड़े मैं यही डाल रहा हूँ बहुत टाइम से, और अभी शूज की हालत दिखाता हूँ मैं। देखो शूज देख रहे कितने ज्यादा गंदे, इन शूज को लिए हुए ना पूरा एक साल हो गया, तो एक साल से वही शूज डाल रहा हूँ मैं। आज ना 3 या 4 जोड़े शूज ले लेंगे, और गर्मियों में फिर टाइम निकल जाएगा हमारा फिर, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी लेकर आते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कर आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया यार शॉपिंग में करता नहीं हूं, इसलिए मैंने सोचा कि शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये वाला बैग नहीं लेके जाऊंगा, दूसरा भाई लेके जाएगा, बिकॉज यार बहुत ज्यादा भारी हो जाता है ये। अभी घर से निकलने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो गाइज आज ना धूप बड़ी ज्यादा, पर मैं जैकेट डाल के जा रहा हूँ, बिकॉज ऐसे ना ऐसे बहुत ज्यादा पतले से लगेंगे, ठीक है। इसको डाल के जाऊंगा, कपड़े तो भाई आने वाले हैं, तो देखते ज्यादातर, तो भाई मैं आपको बता दूं ज्यादातर शूज ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इस बाइक को दोनों को लेकर जा रहे हैं, तो जल्दी से जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे, ठीक है। और आपको उधर भी दिखाएंगे जो जो हम चीजें ले रहे हैं, उधर भी दिखाएंगे आपको क्या। सो यार जब निकल रहे हैं, ठीक है, तो मैं ग्लव्स लेकर जा रहा हूँ आज, बिकॉज बहुत ज़्यादा खोलने का झंझट पड़ेगा, तो ग्लव्स ही नहीं लेके जाएंगे, बस ऐसे ही चलते हैं। और इसमें ना पेट्रोल भी डलवाना है, इसमें भी कम होगा, दोनों में आते आते ना गाइस पेट्रोल भी डलवा लेंगे। चलो गाइस मैं बाहर निकलता हूँ, मैं कपड़ों पे कभी भी खर्च नहीं करता वैसे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इस बार सोचा कि इस बार यार कपड़े लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भाई के पास भी नहीं थे, जो हमारे पास ऐसे शूज़ थे ना वो पूरे फट गए थे, तो ऐसे फटे फटे शूज़ ही डाल रहे थे हम। पर चलो इस बार तो मज़ा आएगा ही आएगा, फ्यूल रिजर्व पे आ गया मेरा, बड़ा ज़्यादा काम है गाइस इसमें ना, इसमें आई थिंक 3 लीटर के बाद मुझे लग रहा है फ्यूल रिजर्व पे आ जाता है। तो यह गाइस हाईवे पे आ चुके हैं, ठीक है दोनों। भाई राइट साइड से निकल गया भाई, यहाँ पे मेला लगा हुआ है क्या, मुझे तो वही लग रहा है। देखो गाइस मेला लगा हुआ है यहाँ पे, मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस कि यहाँ पे मेला लगता है, कसम से मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे कब से लग रहा है यार, मैं जिंदगी में पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। भाई का कहीं पेट्रोल तो नहीं खत्म होने वाला है, पेट्रोल डलवाई लेते, देख ले पेट्रोल तो नहीं होने वाला खत्म, फिर पेट्रोल डलवा के जाते नहीं तो। बिना अभी पेट्रोल पंप पे हैं, और गाइस फोन स्विच ऑफ हो गया है पेमेंट करने के टाइम पे, तो भाई अंदर चार्ज लगा रहा है, तो बाइक इधर है और दूसरी बाइक मैंने यहाँ पे लगाई है, चार्ज हो जाएगा ना फिर हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो यार गाइस अभी ना अभी पैसे हमने पेमेंट कर दिए, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सामान लेने, अभी कांगड़ा की तरफ जाना पड़ेगा। हम यहाँ इस पेट्रोल पंप पे आ गए थे, हमने नंगरोटा की तरफ आगे बंद हो रही, बाइक भी बंद हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा चलते हैं पेट्रोल डलवा लेते हैं और फिर निकलते हैं, ताकि फोन ना बार बार बंद हो रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। हो गए, तो ये सेंड कर रहा है पैसे, चार्जर साथ में रहा ना, कर दिए सेंड करें, कितने 15,000। सो ये अभी निकलते हैं कांगड़ा की तरफ, कांगड़ा जाना है, कुछ सामान ले लेंगे ना, चल भाई। पेमेंट करने में बड़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, बिकॉज पेमेंट का सीन कुछ ऐसा है ना, फ़ोन तो बंद हो गया था भाई अपना, तो भाई उधर चार्जिंग लगा के हमने पेमेंट की है,
और मैंने ना अभी मैंने घर पे पैसे सेंड कर दिए, मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैंने पैसे सेंड कर दिए, जब हम बोलेंगे तब ना पेमेंट कर देना ठीक। तो गाइस देखो भाई कितना ज़्यादा खुला रोड है, भाई भी चला हुआ है, ऐसे लग रहा है भाई अगर ना इस तरह का रोड हो ना और इससे भी ज़्यादा खुला हो, मैं तो बोल रहा हूँ, और वो हो 7 किलोमीटर लंबा, मज़ा आ जा गया देखो गाड़ी वाले को। तो ये गाइस अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी अंदर जाना है। ये ना तो गाइस ये है शूज, पर मुझे कंपनी कुछ और लग रही है ना भी, हूँ इस तरह किसी नहीं चाहिए पर कंपनी अजीब दी है कुछ ऐसे ही है शूज। चलो गाइस नीचे चलते हैं, हेलमेट लेंगे मैं किसी और शॉप में, शूज किसी और शॉप में देखेंगे। इनके अंदर है ये देखो है ना, हाँ नीचे नीचे का एक ये है, क्या लग रहा है गाइस अभी मैं पहन के देखूँ या रहने दूँ, पर यार पहन के देखूँ पूरी शर्ट निकालनी पड़ेगी। तो यार गाइस अभी थोड़ी सी शॉपिंग की है, ये देखो ये लिए है मैंने, तो ये हैं 3 शर्टें, 1, 2 और ये 3 ठीक है, और ये हैं अंदर डालने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात अभी तो शूज लेने हैं गाइस देखो, और ये लिया एक हो गए ना, हो गए चलो जी गाइस देखो फोन बंद हो जा रहे हैं जगह जगह, कैसे कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे चार्जर लगाया था हमने, चलो चार्जर। चल चल तो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, अभी ना गाइस अभी एक चीज लेनी है, अभी लेनी है शूज लेनी है, कपड़े तो ले लिए और गाइस कपड़े बहुत सारे ले लिए भाई गर्मियों के लिए, तो भाई ले लिए, बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है यार इधर। एक तो भाई पेमेंट नहीं हो रही थी, फ़ोन बंद ना फ़ोन बंद था, तो उसकी वजह से पेमेंट होने में पड़ जाता ये था, चार्जर लाना पड़ा, चार्ज करना पड़ा फ़ोन, उसके बाद पेमेंट हुई। ये मेरे शूज थे, 1 साल के बाद चेंज कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं जाता नहीं उतना ज़्यादा, तो ये देखो ये कुछ हैं। तो या गाइस अभी थोड़े शूज भी ले लिए, कपड़े भी ले लिए अपने, और सुबह से भाई घूम ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी कुछ खाना भी है खाया नहीं है कुछ भी ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ से जा रहे हैं ठीक है, शूज वगैरह ले लिए हैं, भाई साहब क्या बेस आ रहा है भाई, भाई ये तो नॉर्मल स्पीड पे भी अच्छी चल रही है। तो गाइस फुल थ्रॉटल सुनो, कसम से गाइस बेस काफी ज्यादा आ रहा है, भाई मेरी ना मेरी जो पुरानी वाली बाइक है ना गाइस वो भी ऐसे हो जाए ना ठीक तो मजा आ जाएगा। एग्जॉस्ट देख इसका अभी आए ठीक है, KTM शोरूम के पास आए थे, अभी यहाँ से निकलने वाले। तो गाइस अभी मैं पेट्रोल डलवाने का, फोन हमारे डेड पड़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि फोन चार्ज नहीं लगे, हमने बोला थोड़ा सा चार्ज करना है, पेमेंट करनी है, तो उन्होंने मना कर दिया भाई। ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे बोल रहे हैं कि फोन भी चार्ज नहीं लगा सकते, देखो यहाँ पे ना इन्होंने पूरी बिल्डिंग करवा के रखी है, ये करना आप करना। तो गाइस ये देखो मैं साउंड सुना देता हूँ आपको, ये देखो भाई साहब खतरनाक साउंड, भाई साहब भाई खतरनाक। तो यार गाइस अभी चलते हैं ठीक है, घर जा रहे हैं, और ये तो निकल जाएंगे यहीं से, और हम भी निकल जाते हैं कुछ खाते पीते हैं। गाइस अभी यहाँ पे रुके ठीक है, ये बंदा भाई बिल्ली मारने वाले हैं, देखते हैं उठ रही है बढ़िया। चलो चलो गाइस आरसी भी मिल गई है, अब कोई टेंशन नहीं है, कुछ खा लेना है भाई, कुछ खाना घर के लिए कुछ लेना, फिर निकल जाएंगे। ओके ओके भैया, ओके ओके बाय, आऊँगा मैं फिर कभी। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए, और गाइस अभी एक भाई मिले थे तो उन्होंने थोड़ी सी व्हीली भी दिखाई, अब मेरा ना स्टंट का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया भाई, पहले बड़ा ज़्यादा था, पहले लगता था यार बर्नआउट वगैरह भाई ऐसे स्टॉपी वीली वूली, अब तो इतना डर था, अब जब से मैंने न्यू बाइक ली है ना तब से मैं अब मारता ही नहीं हूँ, बड़े कम मारता, और अब ना मारूँ भी ना तो उठती भी नहीं है। तो या गाइस अभी ना अभी गाइस आ चुके हैं, और दोनों फुल हो रही हैं, इसको भी फुल करवा लेंगे, उसको भी फुल करवा लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 2:43 ठीक है,
और बस अभी घर पहुंच गए हम, आपको घर चल के ना दिखाएंगे क्या क्या लेकर आए हैं हम। अभी ना अभी घर पे आ चुके हैं ठीक है, और गाइज अभी ना अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो ये कुछ शॉपिंग करके आए हैं, अब आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेके आ रहे हैं ठीक है। देखते जाना गाइज क्या कैसे कैसी कैसी है। एक ये आ गई, एक ब्लैक कलर, येलो कलर, एक ये शर्ट है, दो शर्ट है, ये हुई है, एक और टी शर्ट, एक और टी शर्ट, मस्त शर्ट है ये देखो, एक ही शर्ट हो गई है, फिर से टी शर्ट ये। अभी आपको गाइस अभी आपको शूज दिखाता हूँ, शूज क्या क्या लाए हैं ये देखो, एक ये है, ये देखो एक ये, देखो एक ये क्या लग रहे हैं गाइस, ये देखो और एक ये, ये देखो गाइस। तो गाइस ये कुछ शॉपिंग की हमने, एक चीज नहीं है हमने ना पैंट्स नहीं ली है, वो भी लेनी है, वो तीन चार पैंट्स हो जाएंगी तो हो जाएगा। ये देखो गाइस अभी पैंट नहीं नहीं है, पैंट पुरानी है, पैंट पुरानी है पर फिर भी देख लो मस्त है ये। हाँ बाजू सर मस्त लग रही है, और ये ना इसके अंदर ना कुछ और डाले तो और ज्यादा बढ़िया लगेगी ये ना, ये देखो कैसी है मस्त है। तो यार गाइस अभी ना अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये देख लो गाइस शूज देख रहे हो गाइस, शूज हमने लिए हैं, ये देखो ये शूज लिए हैं, एक ये वाला हो गया, ये काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, और ये क्या हो गया ग्रीन वाला, ये भाई ये खतरनाक लग रहा होगी वाला। अभी मैं इस वीडियो को एंड भी करूंगा ठीक है, एंड करने का टाइम आ चुका है, उससे पहले ना आपको बता देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको सुबह बोला था, आप मुझे पता न्यू बाइक के बारे में पूछ रहे हो कि न्यू बाइक कब आ रही है, 1000 RR ठीक है। तो जैसे कि मैंने सुबह बोला था कि आप ना उस वीडियो पहले वाली मैंने पिछली वीडियो डाली है ना बाइक की, उस वीडियो में देख लेना एंड में मैंने क्या लिखा है, समझने वाले समझ जाएंगे मैंने क्या लिखा है ठीक है। फिर इस वीडियो में कमेंट जरूर करना और लिखना कि आप समझे या नहीं, अगर समझ गए तो लिख देना भाई मैं समझ गया ठीक है। अब मैं वीडियो भी एंड कर देता हूँ, आई होप आपको भी गाइस वीडियो भी अच्छी लगी हुई, अगर अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। और हो गया भाई अपनी शॉपिंग तो भाई होगी पूरी कंप्लीट, अब ना अब टेंशन नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे।